आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम आशिकाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैं इत्तला देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि दरबार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तानुल मशायख़ ज़ेर ज़रबख्श की अज़ीम बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबरुकात की ज़ियारत हर साल एक मरतबा, साल में एक मरतबा कराई जाती है, जो कि 11 रबीउल अव्वल शरीफ को कराई जाती है। जो अंग्रेज़ी तारीख इस वक्त पड़ेगी वो 8 अक्टूबर 2022 पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। असर से इशा के दरमियान तक ज़ियारत कराई जाती है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की, जिसमें कदम मुबारक के निशान मुबारक भी है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक, और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजह शरीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पंसूरे के जिल्द मुबारक की ज़ियारत भी कराई जाती है। तमाम तबरुकात की साल में एक मरतबा ही कराई जाती है इंशाअल्लाह। सब लोगों से माशाल्लाह शरीक हों जितने लोग भी हो सकते हैं दरबार शरीफ में, और सबके लिए हम तो दुआ कर ही रहे हैं इंशाअल्लाह। वक्त मिला और इंशाअल्लाह कोशिश पूरी रहेगी उस वक्त भी लाइव आएँ, आप सबको हाज़िरी कराएँ। जो बारगाह में नहीं आ सकते उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी परेशानी को दूर फरमाएँ। और ज़ोहर के वक्त तो 8 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी महफिल मिलाद मुनक़िद होता है, इंशाअल्लाह वो भी जारी और सारी रहेगा। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है, हज़रत निज़ामुद्दीन से ही है एरिए में पूरा जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है इंशाअल्लाह। वो सुबह के वक्त होता है, वो भी जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ज़ोहर के बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी 9 अक्टूबर को भी महफिल मिलाद मुनक़िद होगी। जो कुछ भी नज़र नियाज पेश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिस्क में, रोज़ी रोज़गार में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। हुज़ूर हम सब से खिदमत लें और अपनी ग़ुलामी में रखें, हमारे लिए यही सबसे बड़ी मोहब्बत और खुश नसीबी की बात है। हुज़ूर महबूब इलाही के दरबार में मौजूद हैं और आप सबका ये फ़कीर, ये दुआ गो हुज़ूर महबूब इलाही का खादिम सैयद अदीब निज़ामी सजादा नशीन और इंचार्ज दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह से। अभी हम मौजूद हैं, सोचा आपको मुख्तसर सी दुआ भी करा दें, नेटवर्क इशूज़ चल रहे हैं, और आइए ज़ियारत कर लें आप भी। सुभानअल्लाह 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 व बिहम्दिही सुभानअल्लाह अल अज़ीम। या हुज़ूर महबूब इलाही सुल्तानुल मशायख़ ज़ेर ज़रबख्श, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हुजूर महबूब इलाही सुल्तानुल मशायख़ ज़ेर ज़रबख्श रहम फरमाई करम। जो मुए मुबारक तबरुकात की ज़ियारत कराई जाती है वो मकबूल जाली के इधर ही कराई जाती है, यहाँ तबरुकात की ज़ियारत होती है और वहाँ कदम मुबारक का निशान रखा जाता है, यहीं से ही दीदार कराया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, हम सब को हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो इंशाअल्लाह ताला। या हुजूर महबूब इलाही सुल्तानुल मशायख़ ज़ेर ज़रबख्श, जितने भी आशिकीन इस लाइफ के ज़रिए हाज़िरी कर रहे हैं, सबकी हाज़िरी ज़ियारत दुआएं इल्तिजाएं अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाइए, मंजूर अता फरमाइए, मकबूल अता फरमाइए, महबूब अता फरमाइए, अपने दरबार में सबको खुशियों के साथ हाज़िरी नसीब अता फरमाएं। बड़ा दरबार अली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, जहां में फैज़ जारी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, निज़ामी दर बदर जाने की तुझको क्या ज़रूरत है, बस एक दरवाज़ा काफ़ी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। या हुज़ूर रहम फरमाइए करम फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए। जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह ताला सब की परेशानी को दूर फरमाए, सबके रिस्क में रोज़ी रोज़गार में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं सेहत से परेशान हैं सबको शिफाए कुल्ली सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत लोग दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, जो लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इसका अज्र अता फरमाए दुनिया और आखिरत में दोनों में। अल्लाह हम सब का ईमान पर खात्मा अता फरमाए, ईमान पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, सच्चा आशिक रसूल बनाए। जैसे कि आपको मालूम है मिलादुन्नबी के दिन भी चल रहे हैं, मिलाद रबीउल अव्वल शरीफ चल रहा है, हुज़ूर की बारगाह में कसरत के साथ सलातो सलाम पेश करें, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते रहें और अपने घरों में भी महफिलें सजाएँ, हुज़ूर के नाम से जिक्र और अज़कार भी करते रहें, नात शरीफ पढ़ें, हुज़ूर का जिक्र करें।
ये ऐसी कसूरी है जो कल्ब को भी ठंडक देती है, रूह को भी ताजगी देती है। हुजूर हम सबको अपनी गुलामी में रखें। अब आइए ज़ियारत कर लें मुख्तसर सी और फिर लाइव एंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। या हुजूर महबूब इलाही, बहुत लोग हमसे अर्ज़ो मारूस पेश करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं, सबके नाम तो याद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वसीले सब की परेशानी को दूर फरमाए, सबके रिस्क में, रोज़ी रोज़गार में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। बड़ा दरबार अली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, जहां में फैज़ जारी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। निज़ामी दर बदर जाने की तुझको क्या ज़रूरत है, बस एक दरवाज़ा काफ़ी है। निज़ामुद्दीन चिश्ती का बस एक दरवाज़ा काफ़ी है, निज़ामुद्दीन चिश्ती का। चलिए हम इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह, फिर ज़रूर लाइव आएंगे। एक और मरतबा मैं बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुए मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी दरबार शरीफ में 11 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन, जो अंग्रेज़ी तारीख 8 अक्टूबर 2022 पड़ेगी। असर से इशा के दरमियान तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। जो लोग भी आना चाहते हैं, हमसे मुलाकात करना चाहते हैं, ज़रूर इत्तला दें, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। और मिलाद की महफिलें सजेंगी, जुलूस मुहम्मदी भी निकाला जाएगा, नज़र नियाज़ लंगर भी पेश होगा, तमाम लोगों के लिए दुआ भी रहेगी। इंशाल्लाह वक्त मिला तो ज़रूर उस दिन भी खास मौके पे भी लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितने लोग भी दरगाह शरीफ के मुतालिक कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऊपर व्हाट्सएप हमारा नंबर मेंशन है, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबका दुआगो सैयद अदीब निज़ामी सजादा नशीन और इंचार्ज दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तान मशायख ज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह की बारगाह से। चलिए फिर ज़रूर लाइव आएँगे इंशाल्लाह, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।